जय हिंद दोस्तों। हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पर राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल ऐसा हुआ है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है इमरान खान गवर्नमेंट को लेकर जो वहां के विपक्षी दल है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। उनका कहना यह है कि इमरान खान के लोग उनके साथ नहीं है, इमरान खान के पास बहुमत नहीं है, हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं और लेकर आ भी गए और शायद कल 28 तारीख को वोटिंग भी हो सकती है इमरान खान की सरकार के खिलाफ। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव में यही है कि जिसके पास वोटिंग का जो बहुमत का आंकड़ा वो नहीं होगा, इमरान खान के पास नहीं होगा, तो इमरान खान की सरकार गिर जाएगी। आखिर क्या कहता है पाकिस्तान की संसद का बहुमत का आंकड़ा, क्या है आंकड़े, मैं आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को प्लीज जरूर लाइक कर दिए, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। दोस्तों आज 27 तारीख है तो प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक जलसा किया था पाकिस्तान के अंदर, वहां पर लाखों लोग एक साथ इकट्ठे हुए इमरान खान को सुनने के लिए आए। वो इमरान खान ने जो विपक्षी दल जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं और जो उनकी ही पार्टी के सांसद उनके खिलाफ हैं उनके ऊपर दोस्तों करारा हमला बोला है। अब बात करते हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान की संसद का क्या है, बहुमत का आंकड़ा क्या है, पूरा वो जानते हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, पाकिस्तान की संसद के अंदर 342 सीटें, जो भी पार्टी 172 सीटें लेकर आ जाती है उसकी सरकार बन जाती है। यानी पाकिस्तान की संसद का जो बहुमत का जो आंकड़ा है वो 172 है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पास कितने सांसद है, क्या है उनके पास, मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पर देखिए। पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पार्टी का नाम है पीटीआई, उनके पास 155 सांसद है और जो सहयोगी दल के ही साथ ही प्रधानमंत्री बने, तो सहयोगी दल जो वो 21 है और इनके पास जो मौजूदा है वो 176 है दोस्तों। यानी बहुमत से 4 सांसद ज्यादा है इमरान खान के पास दोस्तों। पर इनकी ही पार्टी के जो पीटीआई के जो 155 सांसद हैं वो 24 जो सांसद हैं वो बागी हो गए, इमरान खान के साथ नहीं है। विपक्षी दल इसका ही फायदा उठाकर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का कॉल दिया है दोस्तों संसद के अंदर। अब विपक्ष के पास क्या है आंकड़े वो भी सुन लेते हैं, वो भी स्क्रीन पर देखिए। देखिए पीएमएलएन ये नवाज शरीफ की पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद है विपक्षी दलों में 84। वही पीपीपी वो है 56 सांसद है, ये बेनजीर भुट्टो की पार्टी है इसके पास 56 है। वही जो सहयोगी जो अन्य दल है विपक्ष के पास वो 22 है और कुल जो आंकड़ा होता है वो 162 होता है। यानी जो विपक्ष को जरूरत है 10 और सांसदों की जरूरत है जब भी इमरान खान की सरकार दोस्तों गिरेगी। अब जो वो 24 सांसद हैं पीटीआई के यानी इमरान खान की सरकार के वो खिलाफ हो गए इमरान खान से और इमरान खान के जो खिलाफ हुए इसी वजह से जो विपक्ष है वो उनसे कह रहा है कि उनके पास बहुमत नहीं है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अब कल जो 28 तारीख को दोस्तों होना है वोटिंग जो होनी है अविश्वास प्रस्ताव पे, उस पर क्या होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। पर इमरान खान का ये बताया जा रहा था कि आज जो जलसा हुआ है ये जो लाखों की भीड़ हुई है इसमें इस्तीफा दे देंगे इमरान खान, पर इमरान खान ने नहीं दिया इस्तीफा। उनका कहना यह था कि हमारी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। अब इमरान खान 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे ये आने वाला टाइम बताएगा। चलिए आपकी क्या राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।